भाई लोगों से यार मिलके बहुत अच्छा लगा यार, कोई तो हमारे अपने मिले पहाड़ी कस्बे से। आज साथ में देना है हमारा, बहेड़ी से पहली यात्रा है, बहेड़ी से ही नहीं पूरी बरेली जिले से ही, बहेड़ी से जिला बहेड़ी मंडल की भी मैं पहली यात्रा होगी। उन्होंने हमें 700-800 रुपए जो है जबरदस्ती दिए है खाने पीने के लिए, और हापुर से रहने वाले हैं भाई लोग, कर रहे हैं भैया ने ये बोतल चेंज कर दी है नया पानी पी के फेंक दो बोतल। ये कहाँ से भाई लोग? हम पुणे से, महाराष्ट्र पुणे। ये भैया महाराष्ट्र पुणे से है, काफी अच्छा लगा। भैया हम साइकिल जा रहे जी जी, कहाँ से आए? बरेली। बरेली से? जी जी। अच्छा यार बहुत, वो बरेली वाला झुमका लगा। दोस्तों कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, गहरी नींद आ चुकी थी। तो दोस्तों यही है संगम नदी, क्योंकि तो दोस्तों मंदाकिनी नदी इधर से आ रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है मंदाकिनी नदी, क्योंकि आपको ब्रिज भी दिखता होगा, ये आई है मंदाकिनी नदी, और इधर से अलकनंदा नदी आई है। ये इधर से आ गई अलकनंदा नदी, तो यहाँ पे आके इसका संगम हो जाता है गंगा जी का, तो यहाँ पे इसीलिए संगम नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ पे एक मंदिर मिलेगा आपके लिए संगम नाम से, जो कि यहाँ पे ये धर्मशाला टाइप का हमारा वो कैंप दिख रहा होगा आपको दोस्तों, वो कैंप है वहाँ पे, वहाँ सोचते हम। और काफ़ी शानदार व्यू है यहाँ का देखने के लिए दोस्तों, वहाँ देखो महिलाएँ और भाई लोग नहा भी रहे हैं, काफ़ी शानदार है यार दोस्तों, ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अभी हम रुद्रप्रयाग में हैं संगम नदी पर, जिसको संगम टेंपल भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से फटाफट चलने की कोशिश करते हैं, आपको हमने संगम नदी के दर्शन कराए दिए, कितना शानदार लग रहा है ना नज़ारा। तो अब हम यहाँ से चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया है, हमें आज केदारनाथ धाम के लिए निकलना है। केदारनाथ धाम यहाँ से 92 किलोमीटर रह गया दोस्तों, जो कि हम 2 दिन में तय कर लेंगे, मेहनत से चलेंगे। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आपको संगम नदी का शानदार नज़ारा कैसा लगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। भाई लोगों एक बात कहना चाहेंगे यार, एडिटिंग में तो ज़्यादा दम नहीं दे पाना है, टाइम कम है, लेकिन आप ये जरूर बताते रहना कमेंट में कि यार हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस जगह से देख रहे हो, कौन से जिले से देख रहे हो, और आपको हमारा ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो फटाफट चलने की कोशिश करते हैं यहाँ से। भाई चलते चलते भाई लोगों ने रुक लिया है यहाँ पे, विशाल भंडारा भोजन खाते हैं यहाँ पे, काफी प्रेम से भंडारा यहाँ पे, प्रसाद तो प्रसाद खाते हैं भोलेनाथ का, जय हो भोलेनाथ की, कमी नहीं किसी बात की। दोस्तों प्रसाद में चाय है, आलू छोले, जलेबी, कड़ी, चावल, रोटी, तो फटाफट खाते हैं प्रसाद। क्या लगा? सेहत बन रही है सही है। तो इस तरह का यहाँ पे लोग देखो
भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो फटाफट खाते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। भाई इधर हमसे भोजन गप्पे भी है, गप्पे है, उसके बाद यहाँ पे टिक्की भी है, शादी से भी कम नहीं भोजन, यह भी भोजन है एकदम भंडारे गप्पे खाते हैं। यहाँ पे इतना सु भंडारा है, यहाँ पे यहाँ पे दादी करता है मेरे भाई बरेली से हरियाणा वाले हैं भाई भाई लोगों जब भी आप कभी यहाँ पे आना चाहते हो तो तिलवाड़ा से 1 किलोमीटर पहले जो है आपको ये भंडारा मिलेगा, विशाल भंडारा जो कि केदारनाथ यात्रियों के लिए ही है। जब तक केदारनाथ यात्रा चलती तब तक ये भंडारा यहाँ पे चलता ही रहता है, तो भोलेनाथ इनका सदा भंडार भरते रहे। तो अब हम यहाँ से फटाफट चलते हैं, अभी आप जो पीछे देख रहे हैं ये गंगा जी चल रही है इधर, और हमें इधर तो निकलना है तिलवाड़ा होके, तो तिलवाड़ा में होके निकलते हैं। तो सामने आप देख रहे हैं इधर आपको भंडारा मिल जाएगा, तो फटाफट चलते हैं भाई, पेट पूजा एकदम हो चुकी है। हमारे दोनों भाई की साइकिल का पंचर होते हुए पंचर जोड़ना है, और वो हमारी साइकिल जो है ना उसका ब्रेक शू वगैरह है वो यहाँ पे है भी नहीं, और मेरे को लग रहा है चलाना है बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई आगे भी रुको से काम चला रहा है, पीछे वाले ब्रेक जो काम नहीं करता, समझेंगे भी नहीं यहाँ पे कहीं पे। तो देखते हैं कैसे चलते हैं, तब तक दोनों भाई का जो है पंचर जुड़वा लें, पंचर हो गया। माताएं, महिलाएं, भाई लोग यहाँ पे देखो नदी के किनारे अपना स्नान कर रहे हैं, देखिएगा ये सब टूरिस्ट लोग हैं जो कि इनके वहाँ पे खड़ी है देखो, और इधर स्नान कर रहे हैं, और कुंड के लिए रास्ता देंगे, देखिएगा ये नदी जो मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, ये शानदार शानदार नज़ारे हैं बिल्कुल, देख लो दोस्तों कुछ इस प्रकार से नहाया जाता है, यहाँ पानी पी सकते हैं, नहाया भी सकते हैं, कपड़े भी धुल सकते हैं, सारे काम यहाँ हो सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट आगे की ओर, सोनू भाई चलें, चलते हैं फिर। भाई हम तो साइकिलों से आज बहुत परेशान हो गए, सोनू भाई ने अभी आधे घंटे पहले साइकिल संभलवाई है, फिर दिक्कत होने लगी, क्या दिक्कत हो गई अब ब्रेक, भाई कोई ना कुछ बिगड़ता ही जा रहा है यार, हमारा टाइम बहुत ख़राब हो रहा है अभी साइकिलों की वजह से, पूरी लथेड़न उतारना पड़ती है, मिस्त्री से भी काम सक्सेसफुल नहीं बैठा तो अब खुद कहते हैं, और ये हमारी साइकिल खड़ी, हमारी साइकिल के तो ऑलरेडी पीछे का ब्रेक शू वगैरह है नहीं, क्योंकि डिस्क ब्रेक में आगे ब्रेक से काम चला रहे हैं आराम आराम में। और दोस्तों अभी हम रामपुर पहुँच चुके हैं, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोस्तों रामपुर का बोर्ड लगा हुआ है जैसा कि आपको दिखता ही होगा, तो जल्दी जल्दी से अब साइकिल संभालते हैं हम और फटाफट चलते हैं, आज का दिन तो हमारा बहुत ख़राब हो गया, 3-4 घंटे ऐसी साइकिलों के चक्कर में ख़राब हो चुके हैं आज। देखो भाई कभी ब्रेक लगने लगते हैं पहियों में, कई ब्रेक काम ही नहीं करते हैं, दिक्कत ही दिक्कत होती जा रही है, जल्दी जल्दी संभालो फिर चलते हैं। महादेव दोस्तों चलते चलते हमें एक भाई लोग मिल गए, भाई आप कहाँ से हो? अयोध्या से। अयोध्या से हैं ये, तो पैदल ही आता अयोध्या से पैदल यात्रा कहाँ कहाँ की? केदारनाथ और बद्रीनाथ, दो धाम है इनके, केदारनाथ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ घूम के आए होगे तो? नहीं अभी। अच्छा यहीं से जाओगे केदारनाथ से, तो आज आपको कितने दिन हो गए? आज मुझे 21वां दिन। दोस्तों देख लो आज 21वां दिन है भाई का भी, आज दिल से थैंक यू जो कि पैदल यात्रा कर रहे हैं, 21 दिन हो गए आज इन्हें, जो कि 2 दिन में पहुँच जाएंगे केदारनाथ धाम, दर्शन हो जाएंगे, तो भैया से मिल के काफी अच्छा लगा, अपनी तरफ के ही है भाई, महेश नाम है भाई का। भाई के साथ यार ये बहुत बुरा हुआ कि भाई का यार फोन चोरी हो गया, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी थे, लाइसेंस वगैरह था, और बड़ा फोन का भैया कैमरा भी था, भैया का कैमरा भी था, जो कि ये नदी है जो इसमें नहाने के लिए गए थे ना भैया, नहाने के लिए गए तब तक कोई देव प्रयाग में, तब तक कोई मौका मार गया, ये गलत है यार किसी यात्री के साथ ऐसा कहते हैं भाई, बहुत गलत बात है यार ये, बाकी
चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ की कृपा है। मैं वहाँ से वापस नहीं जा सकता था क्योंकि अब मैं इतना दूर आ गया हूँ, तो मैंने कहा आप दर्शन करके ही जाऊँगा। कोई दिक्कत नहीं, आप भोलेनाथ के दर्शन करो, सब अच्छा होगा जी। ठीक है, हर हर महादेव चलते हैं। दोस्तों चलते चलते हमारे बहरी के भाई लोग मिल चुके हैं। ये आशीष भाई है हमारे, इनका तो नाम रजनीश भाई, और सारे भाई हमारे बहरी के देख के हमें रुक चुके हैं, जिससे कि पूरा सपोर्ट भी करता है। अभी बिस्लरी लेके दिया है भाई लोगों से, यार मिलके बहुत अच्छा लगा यार, कोई तो हमारे अपने मिले बहरी कस्बे से। तो भाई लोगों कुछ कहना चाहो यार, कहो। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया जी, आप लोग यात्रा चलते रहे, आगे बढ़ के भी आए, हमेशा चलते भाई लोगों, आज साथ में देना हमारा। बहरी से पहली यात्रा है, बहरी से ही नहीं पूरी बरेली जिले से ही, बहरी से जिला बरेली मंडल के भी मैं मानता हूँ पहली यात्रा होगी। इन भाई लोगों की अगर तारीफ ही की जाए ना तो बहुत कम है, क्योंकि हमारे जिला क्योंकि हमारे बहरी जिला पंचायत के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें 700-800 रुपए जो है जबरदस्ती दिए हैं खाने पीने के लिए, और पानी की बिस्लरी है, और इधर महंगी के लिए पैसे दे गए, 1000 रुपए का हम पे खर्च करके गए। हमारे रजनीश भाई और राजू भाई और सुनील भाई सब लोग साथ में थे, उन भाइयों के लिए यार यहाँ से तय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और भोलेनाथ भी दो देखे गए हमारे, और भोलेनाथ उनका सदा भंडार भरते रहे, तो आगे मिलके तो आगे मिलेंगे, और हो सकता है कल हमारी पेपर में भी खबर आने वाली है, अमर उजाला या फिर दैनिक जागरण में, क्योंकि भाई फर्स्ट नंबर पे बरेली जिले से, ग्राम आदलपुर तहसील बहरी जिला बरेली से केदारनाथ धाम की है ये। और बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ दे गए हैं दिल से, एकदम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों आपके लिए। तो अभी थोड़ा ढलान मिल गया है, तो साइकिल दावा दाब दबा लेते हैं। इधर देखो गंगा मैया देख रहे हैं दोस्तों, गंगा मैया के किनारे किनारे चलना है। केदारनाथ धाम यहाँ से 70 किलोमीटर रह गया, तो कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन के तो कोशिश कर रहे हैं कि आज गौरीकुंड पहुँच जाए, इसीलिए काफ़ी मेहनत करना पड़ रही दोस्तों। अब थोड़ी चढ़ाई आ गई, फोन जेब में रखता हूँ मैं। भाई चलते चलते तो एकदम थक गए, तो ये हमें भाई लोग मिले थे जो कि जो है हापुड़ के रहने वाले, हापुड़ से रहने वाले हैं भाई लोग, तो काफी अच्छा लगा भाई लोगों से ही मिलके। हमारे भाई आए हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाइक से ही, बाइक की जगह साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, भगवान इनकी यात्रा सफल करे। बहुत बढ़िया भाई है, हमारे बराबर के हैं। तो कैसा लगा उनसे आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारे बड़े भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाबा के मंदिर में यात्रा करें। दोस्तों कुछ इस तरह से हमारे भाई लोग हमें मिल जा रहे हैं, तो हमारा और जो हौसला जो है ना बुलंद होता जा रहा है, और अच्छा भी लग रहा है। तो हापुड़ के भाई लोग है ना, तो फिर अब यहाँ से चलते हैं, भाई लोगों ने पानी वानी खुलवाया था, यहाँ से चलते हैं फिर। हरा महादेव। दोस्तों कंडीशन बिल्कुल गिरती जा रही है, तो सेहत बनाने के लिए केले ले रहे हैं दीदी से, और इधर हमारे सोनू भाई ने को चाय का ऑर्डर दे दिया है, उधर दीदी चाय बना रही है, तो खा पी के निकलते हैं यहाँ से। इधर हमारे केले आ चुके हैं, तो भाई लोगों आ जाइए, खा लीजिए केले, सेहत बनाइए। बाकी दीदी ने देखो केले बहुत डिस्काउंट के साथ दिए हैं, और फैन तो अपनी तरफ से खिलाया, जो कि अभी हमने नीचे खाया था तो 10 रुपये का दिया था, दीदी से चाय ली थी तो वो भी डिस्काउंट के साथ पिए आधे पैसों में, अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने छोड़ दिए। काफ़ी अच्छे लोग मिल जाते हैं, चलते हैं फटाफट, नाश्ता हो चुका है। जय बाबा केदारनाथ। चुके हैं जो यहाँ, जो कि यहाँ पे चेक पोस्ट पड़ता है,
और यहाँ पे सारे वाहन जो है रोक दिए गए। देखिएगा पीछे तक लाइन ही लाइन है, वो भी इसलिए रोक दिया गया है कि बारिश का माहौल है, पहाड़ वहाड़ खसने का ज़्यादा खतरा रहता है, इसीलिए सभी लोग रुक गया ना अंकल जी। हाँ ऐसा ही है, आप तो चलते हैं, हमारे लिए तो अलाउ है भैया, दो पहियों वालों के लिए कोई रोक नहीं है, हमारे लिए बैरियर खोल दिया गया था, बाकी चार पहियों वाले के लिए ज़्यादा दिक्कत है, तो हम तो दो पहियों से, तो हम तो चलते हैं यहाँ से फटाफट। देख रहे हैं ना दोस्तों कितने खड़े खड़े ही हो, पहाड़ हैं बिल्कुल, इसीलिए रास्ता जाम कर दिया जाता है, इसीलिए बारिश के टाइम पे ये रास्ता रोक दिया जाता है कि पत्थर गिरने का ज़्यादा भय रहता है। यहाँ पे बिल्कुल खड़े एकदम, देखो वाह, लेकिन देखने के काबिल हैं ये, शानदार शानदार नज़ारे। नीचे ही गंगा जी चल रही है, तो चल इधर भाइयों, हमारे भाई लोग मिल गए, भाई लोगों ने यार रोक लिया, मैं तो रुके, बाकी पानी के साथ चलेगा, पानी के लिए दे देंगे, भैया ने ये बोतल चेंज कर दी है, नया पानी पी के फेंक दो बोतल। ये कहाँ से भाई लोग? हम पुणे से, महाराष्ट्र पुणे। ये भैया महाराष्ट्र पुणे से है, काफी अच्छा लगा भैया। हम साइकिल जा रहे हैं जी जी। कहाँ से आए आप? बरेली। बरेली से? जी जी। अच्छा यार बहुत, वो बरेली वाला झुमका लगा। हाँ हाँ, बहुत फेमस है हमारे इधर, बहुत फेमस है वो गाना। बहुत बड़ा है तो फिर आई बताइए दीदी, बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देते हुए। तो चलते हैं, भाई लोगों से काफ़ी अच्छा लगा मिलके, यहाँ चलते हैं। हाँ सेहत का ध्यान है, खाते पीते निकलना है, खाते पीते निकलना है, रुकते रुकते आराम से, ठीक है।